हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना फोर्थ चैप्टर जो था गिल्लू कहानी, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित थी, उसके अंतर्गत आओ करें तीन और चार आपको एक्सप्लेन कर देंगे और मेरी बारी एक, और आपको उसको होमवर्क में करना है ना। और उसके बाद समय बचेगा तो हम थोड़ी सी ग्रामर भी आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आओ करें तीन, है ना। सोनजूही की कली को देखकर लेखिका को क्या स्मरण हो गया, हो आया, है ना। तो इसका आंसर रहेगा, फर्स्ट नंबर का पेज निकाल लीजिए। सोनजूही इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से, सबसे पहला जो चालू हो रहा है आओ पढ़ें में, 33 नंबर का पेज, है ना। 33 नंबर के पेज में पहली लाइन में देखिए, अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। तो सोनजूही की कली को देखकर लेखिका को छोटे से जीव का स्मरण हो आया। सेकंड क्वेश्चन, लेखिका को गिल्लू कब और कैसे मिला। तो जब लेखिका काक पुराण, है ना, आ जाइए इसी में 33 पेज में सबसे नीचे, जब लेखिका काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, है ना। तो लेखिका को गिल्लू कब और कैसे मिला, तो जब वे काक पुराण के विवेचन में बाधा आ रही थी और गमले की दीवार के बीच जो संधि होती है वहाँ पर उसे मिला, है ना। अगला क्वेश्चन, लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे और कहाँ बनाया, है ना। तो लेखिका ने गिल्लू का घर फूल रखने की एक छोटी सी डलिया में रुई रख कर बनाया, है ना। फिर गिल्लू को मुक्त करना लेखिका को कब आवश्यक लगा, कब लगा, ये 35 नंबर का पेज। गिल्लू को जाली के पास, सेकंड पैराग्राफ में, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब वो मतलब जाली के पास आकर अपनेपन से बाहर झांककर देख रहा था, तब लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था, है ना। तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करता था, 34 नंबर का पेज, है ना, उसमें 34 में ही ये जो चित्र बना है, ये चित्र के बाजू से ही देखिए आंसर लिखा है। ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। इसमें लिखेंगे, खाली वह ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। तो इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अपन, है ना। अब अगला है, गिल्लू को किसने घायल किया। तो दो कौवे ने गिल्लू को घायल किया। अगला, लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने क्या किया। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की, है ना, लेखिका की सेवा की। 36 नंबर का पेज, वह तकिए पर सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा, है ना, ये वाला आंसर आएगा इसका। उसके बाद, गिल्लू ने काजू क्यों नहीं खाए, क्योंकि लेखिका बीमार थी और वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए गिल्लू को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने काजू नहीं खाए। अब ये जो है आओ करे चार, इसका आंसर जो है हम आपको फोटो सेंड कर देंगे, आप उससे लिख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की ओर, है ना। यहाँ पर अब मेरी बारी एक, होमवर्क में आपको क्या क्या करना है, ये होमवर्क में करना है आप दोनों, आपको दोनों, ये भी होमवर्क में रहेगा और ये मेरी बारी भी होमवर्क में रहेगा, है ना। तो मेरी बारी एक में आपको क्या करना है, अच्छा, तत्सम तद्भव शब्द पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तत्सम शब्द लिखा है, तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान, अर्थात जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो मूल रूप से किसमें प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द, तो संस्कृत शब्दों से बिगड़कर आए बने शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं,
तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर का पेज तत्सम तद्भव शब्द दिया है ना। तो उसमें बोला गया है कि काक यानी हो जाएगा तत्सम शब्द, और कौवा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा तद्भव शब्द, है ना। अब इसमें देखिए जैसे अग्नि को क्या बोलेंगे आग, बधिर को बहरा, कार्य को काम काज, मयूर मोर, त्वरित तुरंत, आश्रय आसरा, नासिका नाक, ग्रह घर, अष्ट आठ, स्वर्ण सोना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दिवस दिन, जिवा जीव, दधि दही, दुग्ध दूध, दंत दांत, भिक्षा भीख, सिर सिर, ग्राम गांव, है ना। पेज पलट दीजिए 40 नंबर का पेज। फिर इसमें दिया है काक, काक को क्या बोलेंगे कौवा। आओ करे पांच आपको होमवर्क में करना है, ये आओ करे पांच इसमें, है ना, आओ करे ये पांच भी इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद तीन चार और ये पांच, है ना, ये तीनों करना है आपको। और मेरी बारी एक, ये एक का होमवर्क में है, ये दो होमवर्क में, ये तीन और एक ये, है ना। अब देखिए मयूर को क्या बोलते हैं तद्भव में मोर, दुग्ध दूध, मुख मुंह, पुष्प फूल, वर्ष साल या बरस, ग्रह घर, अक्ष आँख, तीव्र तेज, सिर सिर, श्वास सांस, ये सब आपको भरना है। मतलब आपको होमवर्क में तीन चार पाँच करना है और मेरी बारी एक करना है। अब हम मेरी बारी एक आपको समझा देते हैं, है ना। पुत्र पूत अंगुली, ये देखिए गिल्लू, है ना, पार्ट जो था उसमें मेरी बारी एक पेज नंबर 14, है ना। इसमें दिया है पुत्र को पूत, अंगुली उंगली, पक्षी पंछी, कंटक काटा, ससुर ससुर, वत्स बच्चा, आम्र आम, चंद्र चांद, मित्र मीत, सत्य सच, दुर्बल दुबला, तीक्ष्ण तीखा, है ना। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर समाप्त यहाँ पर। तो आपको होमवर्क में क्या करना है तीन चार पाँच और मेरी बारी एक, और जो इसमें आओ करे चार था, आओ करे चार हम आपको फोटो सेंड कर देंगे, है ना, ये चार नंबर के क्वेश्चन के आंसर में, है ना। तो इतना आपको करना है। और हमने और हम आपको बता दे रहे हैं कि हम कल वीडियो नहीं डाल सकते, अगले दिन हम डाल देंगे बच्चों, है ना। और कल हमने आपको बताए थे तो हमने थोड़ा सा गलती कर दिए थे, है ना। ये अपनी चार उंगलियों में से हमने बताए थे, सबसे पहले छोटी वाली को क्या बोलते हैं कनिष्ठा, ये सेकंड वाली अनामिका, ये मध्यिका, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं तर्जनी। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये छोटी वाली कनिष्ठा, इसके सेकंड नंबर की क्या कहलाती है अनामिका, ये मध्यिका बीच वाली, और ये तर्जनी। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद, अब तक का जितना भी होमवर्क है वो पूर्ण करेंगे, है ना। धन्यवाद।